यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर राज्य भर में हंगामा शुरू हो गया है। लखनऊ, वाराणसी, बरेली, अलीगढ़ समेत 20 जिलों में सपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए घेराबंदी शुरू कर दी है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन और अधिकारियों पर सत्ता पक्ष का फेवर करने का आरोप भी लगाया है। अब बस चंद घंटों का इंतजार और देश के 5 राज्यों में नई सरकार। हालांकि यूपी पर सबकी नजर है, देश के सबसे बड़े सूबे में क्या होगा ये जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। लेकिन काउंटिंग से पहले राज्य की सियासत में उबाल है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर के बाहर रत जगा कर रहे हैं। 3-3 शिफ्ट में ईवीएम की निगरानी की जा रही है। गोंडा की इस तस्वीर पर गौर फरमाइए। सपा के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ रात जगा कर रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। वैसे तो समय काटने का ये तरीका है, लेकिन डर है कि कहीं कोई ईवीएम से छेड़खानी ना कर जाए। समाजवादी पार्टी का मानना है कि बीजेपी ईवीएम से छेड़छाड़ करवा सकती है। ऐसे में ईवीएम की सुरक्षा बेहद जरूरी है। राज्य के अलग अलग जिलों से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। कहीं सपा के कार्यकर्ता मारपीट पर उतारू हो गए तो कहीं तोड़फोड़ हो गई। जौनपुर में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सपा समर्थक काफी आशंकित हैं। यहां पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। सपा के कार्यकर्ता लगातार निगरानी भी कर रहे हैं। इसी बीच खबर आई कि स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा, जिसके बाद हंगामे जैसी स्थिति बन गई। लेकिन समय रहते मौके पर एसडीएम सदर पहुंच गए और कार्यकर्ताओं को बताया कि सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है, जिसके बाद मामला शांत हुआ। रायबरेली में भी ईवीएम की रखवाली के लिए सपा के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। इस दौरान पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी हुई। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा प्रत्याशी डॉक्टर मनोज पांडे ने अधिकारियों और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। शहर के गोर बाजार स्थित आईटीआई कॉलेज में देर रात तक सपाइयों का जमावड़ा लगा रहा। अब बुलंदशहर का हाल देखिए। यहां तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। सपा के कार्यकर्ता यहां पुलिस की गाड़ी को मतगणना स्थल परिसर से बाहर निकलवाने को कह रहे थे, जिसको लेकर जमकर बवाल हुआ। अब तोड़फोड़ की इस तस्वीर को देखिए। वाराणसी में ट्रेनिंग के लिए जा रहे ईवीएम के मिलने के बाद सपा के कार्यकर्ता उग्र हो गए और जमकर बवाल हुआ। साफ है, मतदान के बाद मतगणना से पहले ईवीएम सुर्खियों में है। इसके कारण सियासी तपेश राज्य भर में बढ़ी हुई है।